छोटी माँ, माँ कहाँ है सब लोग? जय श्री कृष्ण बा। जीती रहो। जय श्री कृष्ण, खुश रहो बेटा। कैसी हो बा? हम लोग बिल्कुल ठीक है। माँ और छोटी माँ कहाँ है? अभी तक तो यही थे। वो लोग कहाँ रह गए? ये देखो आ गए दोनों। दोनों ने अपनी जिंदगी में ये रंग भरे हैं देखकर बहुत अच्छा लगा। कैसा रहा आप लोगों का सफर? छोटी माँ बहुत अच्छा रहा। अब तो तुम्हारे डांस क्लास को लेकर कोई परेशानी नहीं ना? नहीं माँ, अब कोई परेशानी नहीं। अब राधा जी वो डांस क्लास अच्छी तरह से चला रही है। कुछ भी कहो, कमाल कर दिया तुम लोगों ने। ये चुटकियों में सारा काम तमाम कर दिया। हाँ बुआ, हम टैलेंटेड हैं। पता है तुम लोगों के बिना घर कितना सुना सुना लग रहा था। बहुत याद आ रही थी तुम लोगों की। चलो अब जल्दी से मुंह हाथ धो लो, तुम सबकी पसंद का खाना बनाया है हमने। आ जानी, तुम्हें मेरे हाथ का ढोकला बहुत पसंद है ना? वो भी है। चलो अब। छोटी माँ, अब तो जानवी को भूख ही नहीं लग रही होगी। क्यों, क्या बात है बेटा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? दरअसल जानवी की परेशानी उसके दिल से जुड़ी है। हाय लॉट जानवी, क्या बात है बुआ? प्यार कैसे, कब, कहाँ? लड़का अच्छे खानदान का है ना, पैसे वाला है ना? छोटी माँ आप इतनी फिक्र मत कीजिए, मैं आपको सब बताती हूँ। उस लड़के का नाम है निखिल। आखिरी बार कह रहा हूँ, वो जमीन मेरी है, मैंने खरीदी है, मैं जो चाहूँ करूँ। Nobody can stop me। तुम्हें इस एक महीने के अंदर 100 स्टूडेंट्स करने हैं अपने इस नृत्य केंद्र में। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम जीत जाओगी और वो जमीन तुम्हारी हो जाएगी। जानवी जिस कला के मंदिर में डांस सिखाती है, वो आज भी उस कला की तरह, उस मंदिर की तरह पवित्र है। जानवी, ये शर्त तुम नहीं, मैं हार रहा हूं, इसलिए यहां मेरा मॉल नहीं बनेगा, तुम्हारा स्कूल रहेगा। जानवी, I love you. सरस्वती, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि वो जानवी से प्यार करता है ना? हाँ माँ, बहुत प्यार करता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन बात इतनी आगे बढ़ गई है, तुम लोगों ने हमसे सलाह लेने की भी नहीं सोची? ये प्यार, मोहब्बत, शादी ब्याह बच्चों के खेल नहीं होते। सरस्वती, तुम तो सबसे बड़ी हो, कम से कम तुम्हें तो ये बात समझनी चाहिए थी। मेनका बहन, आपकी चिंता अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन अगर जानवी ने उस लड़के को पसंद किया है तो वो सही ही होगा। सिद्धार्थ भी बहुत अच्छा लड़का था सावित्री बहन। जब उसे जानवी के अतीत के बारे में पता चला तब उसने क्या किया वो हम सब जानते हैं। मैं नहीं चाहती कि फिर से कोई मेरी जानवी को वैसी तकलीफ दे। छोटी माँ,
निखिल ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं है। आपको यकीन नहीं होगा माँ, लेकिन वो तो जानवी का अतीत जानने के बावजूद उससे प्यार करता है। उसको जानवी के आज से, उसके आने वाले कल से प्यार है। जानवी का बीता हुआ कल उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। उसका खानदान कैसा है, उसके घर वाले कैसे, उसका कुल कैसा है, ये सब किसी ने पूछा? छोटी माँ, आपकी सारी शंकाएं कल सुबह दूर हो जाएगी। वो कल सुबह आप सबसे मिलने आ रहे हैं माँ। अच्छा, तो मेनका बेन, फिर आप उससे जी भर के सवाल पूछ लेना, अपनी हर शंका का समाधान कर लेना। सिर्फ मेनका भाभी नहीं, मैं भी उससे सवाल पूछूंगी। आखिर ये हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है, यूं ही थोड़ी ना हाथ उसके हाथ में दे देंगे। जानवी, तुझे वो लड़का पसंद है ना? तू प्यार करती है ना उसे? हाँ मां। तो फिर ठीक है, कल हम उनसे मिल लेंगे। मैं तो आज रात को ही सारी लिस्ट तैयार रखूंगी अपने सवालों का। बुआ, इतने सवाल भी मत पूछना कि वो लड़का भाग ही जाए। हेलो। हाय, मैं निखिल बोल रहा हूँ। जानवी से बात करनी थी। निखिल जी, जानवी तो यहाँ नहीं है, कुछ जरूरी बात थी? नहीं नहीं, कुछ खास बात नहीं थी, बस ऐसे ही कुछ बात करनी थी। निखिल जी, I'm sorry, लेकिन जानवी अभी यहाँ पर नहीं है, आप उससे कल बात कर लेना। जी, उसे बोलेगा कि मैंने फोन किया था। जी जरूर, ओके बाय। अरे नहीं, फोन फोन। हेलो हेलो निखिल। जानवी, तुम्हें रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। पता है जानवी, मैं बहुत देर से सोने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही आंख बंद करता हूँ तो मुझे तुम दिखती हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे फोन करके बात कर लूं। जानवी, क्या तुम्हें चांद दिख रहा है? हाँ, आज कितना चमक रहा है ना? नहीं, वो चमक नहीं रहा, बल्कि जल रहा है, ये सोचकर कि कोई उससे भी ज्यादा खूबसूरत कैसे हो सकता है। क्या बात है, तुम कुछ बोलती नहीं? क्या बोलूं? अरे कुछ भी कहो ना, वैसे भी कल तुम्हारे घर वालों से मिलने की बात सोचकर मैं थोड़ा नर्वस सा हो गया हूँ। तुम घबराओ मत, दीदी ने तुम्हारी काफी तारीफ कर रखी है। और पता है, फुलकी बुआ ने तो अपने सवालों की लिस्ट तैयार कर रखी है तुम्हारे लिए। ओ गॉड, तब तो मेरी पक्का बैंड बजने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम इतने अच्छे हो कि सब पहली नजर में तुम्हें पसंद कर लेंगे। अच्छा, एनीवेज, अगर तुम्हारी इस पसंद को तुम्हारे घर वालों ने ना पसंद कर दिया तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इन केस ऐसा हुआ और तुम्हारे घर वालों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो मैं तुम्हें भगा कर ले जाऊंगा। बोलो, तैयार हो? निखिल, तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैं सारी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी, तुम देखें। I hope so. तुम्हें पता है कि मैंने आज तक कभी इस प्यार व्यार पे यकीन नहीं किया, लेकिन उसके बाद मुझे तुम मिली और मेरी सोच और मैं दोनों बदल गए। पता है निखिल, मैं हमेशा यही सोचती थी कि जो बड़े लोग होते हैं ना, उनका दिल बहुत छोटा होता है। लेकिन तुमने मेरा अतीत को अपनाकर मेरा ये भ्रम दूर कर दिया। देखो जानवी, तुमने आज के बाद कभी तुम्हारे पास्ट की बात की तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। अगर तुमको सोचना है, तुम्हारे आने वाले कल के बारे में सोचो, हमारे बीते हुए कल में क्या रखा है। देखो, मैं तुम्हारा पास्ट भुला चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपना पास्ट भुला दो, और वादा करो
कि तुम आज के बाद कभी अपना पास्ट हमारे बीच लेकर नहीं आओगी। प्रॉमिस? मैं वादा करती हूँ निकी, मैं कभी अपनी अतीत के बारे में बात नहीं करूंगी। जानवी, तुम रो रही हो? जानवी, मैंने आपको इसलिए फोन नहीं किया था कि आप रो। नाउ प्लीज स्टॉप क्राइंग। मैं रो नहीं रही हूँ निखिल, ये तो खुशी के आंसू है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि भगवान ने तुम्हें मेरी जिंदगी का प्यार बनाकर भेजा है। यकीन नहीं हो रहा? कोई बात नहीं, कल मैं आऊंगा तो खुद देख लेना। अब जाकर सो जाओ। कहीं तुम्हारे घर वालों को पता चला कि मैं तुमसे इतनी रात को बात कर रहा हूँ तो मेरी वहां पे आते ही पिटाई करेंगे। जब तुम हंसती हो ना तो अच्छी लगती हो, और जब गुस्सा करती हो तो और भी अच्छी लगती हो। लेकिन जब तुम थप्पड़ मारती हो तो माय गॉड, तुम सबसे अच्छी लगती हो। ओके ना, बहुत बातें कर ली। यू टेक केयर, ऑलराइट? आई विल सी यू टुमारो। गुड नाइट। गुड नाइट। देख ठीक है ना दीदी? कुछ रह तो नहीं गया ना? निखिल जी किसी भी वक्त आते होंगे। नहीं लक्ष्मी, कोई कमी नहीं है। दीदी दीदी देखिए ना, इसमें से कौन सी सारी पहनी जो कुछ समझ में नहीं आ रही है? ये पीली वाली अच्छी लगी, लाल वाली पहन लेती हूँ, है ना? चांदी रहने दो ना इन्हें, तुम ये वाली साड़ी पहनो। अच्छी है ना? हाँ ठीक है दीदी। लगता है मेरी गौरी की जिंदगी दूसरों को दुल्हन बनाने में ही बीत जाएगी। अपने से छोटी छोटी बहनों की शादी करवा ले, लेकिन खुद के हाथों पर मेहंदी कब रचेगी उसका कुछ आता पता नहीं। बुआ आप क्या बुआ? आंखें क्या दिखा रही हो मुझे? झूठ थोड़ी ना बोल रही हूं मैं। तुम लोगों ने तो अपनी आंखें कान सब बंद करके रखा है, लेकिन मुझसे ये सब कुछ नहीं सुना जाता। बिरादरी वाले लोग क्या क्या बातें करते हैं तुम्हें क्या पता? अब इस जानवी की डोली उठेगी तब यही बातें सुनने को मिलेगी कि बड़ी बहन को तो घर पर बिठा के रखा है और छोटी की शादी करवा रहे हैं। मुझसे ये सब कुछ नहीं सुना जाता, समझी तुम? आइए ना। जय श्री कृष्ण। नमस्ते। सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ये आप सबके लिए है, लीजिए। वो मैं जूते खोल के आता। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, आओ। अच्छा हाँ हाँ आ जा, आइए। अब मैं तुम्हें अपने पूरे परिवार से मिलाती हूँ, ये है हमारी बा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा, जीते रहो। ये है हमारी माँ और छोटी माँ। नमस्ते। निखिल ये है मेरे पति क्षितिज। हाय। ये हमारी भाभी नियति। नमस्ते। और ये है हमारी बस बस। अपना इंटरव्यू मैं खुद दे देती हूँ। हुआ इंटरव्यू नहीं, इंट्रोडक्शन। समझ में आ गया, अब बीच में मत बोल। निखिल मैं इनकी फुल्की बुआ हूँ।
हमने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। ये लड़कियां तो दिन भर तुम्हारी बातें कर रही थी। आई होप कि सब अच्छा कह रही थी। अच्छे इंसान की कोई बुराई नहीं करता बेटा। आओ निखिल बैठो। जी दुर्गा जाओ चाय और नाश्ते का इंतजाम करो। जाओ। जी माँ। दीदी आइए। निखिल जी तुम्हारे घर वाले नहीं आए? वो जी एक्चुअली डैड की कुछ मीटिंग थी दिल्ली में इसलिए आ नहीं पाए। कोई बात नहीं बेटा, तुम और जानवी एक दूसरे को पसंद करते हो, अब घर वालों से आज नहीं तो कल मिलना मिलाना तो हो ही जाएगा। बैठो जानवी। देखो निखिल, पहले तो चोरी छुपे प्यार कर लिया, फिर रिश्ते की बात करने तुम्हें यहाँ बुला लिया, अब ऐसे शर्मा रही है जैसे पहली बार मिल रही हो। हाँ निखिल, हमें रिश्ता मंजूर है ना बा? हाँ बेटा, बस अब जल्दी से पंडित जी को बुलवाकर शादी की तारीख पक्की कर देते। तुम्हारा क्या ख्याल है जानवी? और निखिल तुम्हारा? जी जैसा बड़े कहे मैं क्या कहूँ, मुझे तो मंजूर है। ठाकुर जी ने सच में बहुत बड़ी खुशी का दिन दिया है आज। फिर से घर में शहनाई बजेगी, दिए चलेंगे, खुशियां आएगी, मेरी जानवी की शादी होगी और निखिल बनेंगे हमारे जीजा जी। क्यों जीजा जी? जी जा जी।
मैं ये शादी नहीं कर सकती। What? जानवी, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ निखिल, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती।